अच्छा ठीक। नमस्कार। पत्रिका ये की रोड चूंकि सैलून में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे जितने फेसबुक व्यूअर्स हैं और छत्तीसगढ़ के जितने भी निवासी हैं जो कि फेसबुक को लाइव देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पे बाबा को देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। और इस फेसबुक लाइव में आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव साहब को वैसे तो पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन यहाँ उनके बारे में एक बहुत ही प्रमुख चीज बताना चाहूंगा कि टी एस सिंहदेव साहब को टी एस सिंहदेव के रूप में कम बल्कि टी एस बाबा के रूप में ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि तो उनके जितने भी चाहने वाले हैं या यूं कहें उनके प्रशंसक उनको टी एस बाबा के रूप में ही ज्यादा पहचानते हैं, उनसे बात करते हैं, अच्छा बात लगता रखते हैं। और बाबा के साथ ही हमारे साथ मौजूद है जो हमारी अपनी मेरी अपनी टीम के साथी हैं, शिव शर्मा जी रायपुर के स्थानीय संपादक हैं। मैं और शिव जी के साथ बाबा मौजूद हैं ही। और बाबा, आज हमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ ने जो अपनी पुख्ता तैयारी की है और छत्तीसगढ़ ने इस पर किस हद तक कंट्रोल किया है और इसको नियंत्रित करने के साथ ही आगे तक की पूरी तैयारी जो स्वास्थ्य विभाग ने की है उसके बारे में बाबा खुल कर प्रकाश डालेंगे। तो बाबा, अब तक की तैयारी के बारे में प्लीज विस्तार से। इसमें ये सही है कि किस्मत ने हम लोग का साथ दिया, हम लोग लकी भी रहे। कुछ परिस्थितियां हैं छत्तीसगढ़ की जिसमें ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, शहरी क्षेत्र कम है। आवागमन विदेशों से तुलनात्मक मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में भी अन्य देश के राज्यों या शहरों की तुलना में कम है। और इसके साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी पहले चालू कर दी थी, जो वैश्विक स्थिति सुनने में और समझने में आ रही थी। चाइना से जैसे ही वायरस के विद्यमान होने और फैलने की बातें आने लगी थी कि बहुत तेजी से यह संक्रमण हो रहा है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ कहने लगे थे कि ये फैलेगा, बड़ी मात्रा में फैलेगा, पूरे विश्व में फैलेगा, भारत में भी आएगा, और इसका इलाज हमारे पास नहीं है। दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। जो वायरस है इसका कोई काट विश्व में दवाई के रूप में, वैक्सीन के रूप में नहीं है। ये जब हम लोगों ने प्रारंभिक दिनों में ही सुना और समझा तो लगा कि हमको तैयारी कर लेनी चाहिए कि ना जाने कब ये परिस्थिति हमारे बीच में आए। और सामानों की खरीदी की प्रक्रिया के साथ में प्रशासनिक अमले को जगह में बैठाना, ये जनवरी में ही चालू हो गया था छत्तीसगढ़ में। और 26 जनवरी की तैयारी जैसी खत्म हुई, पूरा प्रशासनिक अमला, ये राष्ट्रीय पर्व है उसमें लगा रहता है, 4-5 दिन 6 दिन कम से कम पूरी तैयारियों में लगा रहता है। तो जैसे ही 26 जनवरी की परेड समाप्त हुई, उसकी तैयारियां पूरी हुई, उसकी प्रस्तुति हुई, 27 तारीख को ही हम लोगों ने कलेक्टरों के अध्यक्षता में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया था, क्योंकि ये भी स्पष्ट था कि ये स्वास्थ्य विभाग इसको डील नहीं कर पाएगा। अगर हमको नागरिकों तक पहुंच के उनको नियंत्रित भी करने की जरूरत पड़ेगी तो राजस्व विभाग और पुलिस विभाग का भी पूरा सहयोग स्वास्थ्य विभाग को लगेगा। तो वो सहयोग प्रारंभिक दिनों से ही जो चालू हुआ वो आज तक बरकरार है, एक कड़ी बन गई, प्रशासनिक एक कड़ी बन गई, जिसमें हर जिले में कलेक्टर की अगुवाई में सभी विभागों का समन्वय हम लोगों ने चालू किया। इसमें प्रमुख रूप से राजस्व विभाग के साथ पुलिस विभाग, पंचायत विभाग, खाद्यान्न विभाग और स्वास्थ्य विभाग तो रहता ही है, और अर्बन डेवलपमेंट विभाग, ये 5-6 विभाग थे जिनका समन्वय बहुत जरूरी था। और उसको समझ के हम लोगों ने कलेक्टर की अध्यक्षता में जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम चालू की वो क्रिया आज तक काम आ रही है, वो चैनल एक बन गया है और सुचारू रूप से काम कर रहा है। इसमें जब ये लगने लगा कि ये स्थिति आएगी ही तो सबसे जरूरी था, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी रहती है, नर्सेस की कमी रहती है, बाकी स्टाफ की कमी रहती है, संसाधन की भी कमी है, तो उसके ट्रेनिंग की तैयारी कि जो लिमिटेड है हमारे सामने, शुरू में ही ये विकल्प, ये चॉइस हमारे सामने था, ये स्थिति हमारे सामने थी कि सीमित संसाधनों से, सीमित मानव संसाधनों से जो स्वास्थ्य की सेवाएं आप दे रहे हैं वो भी पूरी तरह से आप नहीं दे पाते, क्योंकि राज्यों में जो स्वास्थ्य विभाग में इन्वेस्टमेंट है, देश में हो चाहे विदेशों में है, कम है, तुलनात्मक बहुत कम है जितना होना चाहिए उससे। तो इन बातों को जानते हुए कि हमारी सामान्य क्रियाएं भी प्रभावित होंगी, फिर भी कोविड के लिए अगर तैयारी करनी है, एक ऐसी महामारी जिसमें
हेलो। हाँ बाबा साहब की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, डॉक्टर्स ये कोविड का काम करेंगे, नर्सेस कोविड का काम करेंगे, लेबोरेटरीज या टेक्नीशियन कोविड का काम करेंगे, और बाकी लोग बाकी काम को देखते रहेंगे। तो बहुत नीचे जिला स्तर से हमने इस व्यवस्था को नहीं जाने दिया। शुरू दिनों में हमने सीएचसी को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक उतरने की सोची थी, लेकिन फिर उसको रोक दिया कि कोविड की जो फैसिलिटी है इसको जिले स्तर तक हम पहले रखेंगे, और सीएचसी पीएचसी सब हेल्थ सेंटर नितानिन इनको डायरेक्ट कोविड के इन्वॉल्वमेंट से हम लोगों ने पृथक रखा। और ट्रेनिंग करने के बाद फिर अगला कदम था फैसिलिटी तैयार करना। हमारे पास कितने बिस्तर होंगे कोविड पेशेंट्स के लिए, हमारे पास कितने आईसीयू होंगे, कितने हमारे पास वेंटिलेटर्स होंगे, तो उसकी तैयारी, पूरी लॉजिस्टिक्स की तैयारी, और चालू हम लोगों ने किया एम्स रायपुर से, माना का जो 100 बिस्तर का अस्पताल बना उससे, और प्रारंभिक दिनों में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को हमने लेने की सोची थी, फिर बाद में उसको ड्रॉप किया। और जिलों में कौन सी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटी स्थापित हो सकती है जिसमें सामान्य स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियां प्रभावित ना हो, तो 100 बिस्तर का हर जिले में हम लोगों ने वहां के अमले को कहा, जिला प्रशासन से लेके स्वास्थ्य विभाग, कि आप 100 बिस्तर का, कम से कम एवरेज 100 बिस्तर का आप डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी स्थापित करिए, जिसमें जो डॉक्टर जाएंगे, जो नर्स जाएंगे, जो स्टाफ जाएगा वो किसी दूसरे काम को नहीं करेगा, और वो पृथक से रहेगा भी, उनके रहने की भी व्यवस्था अलग होगी, वो घर परिवार के साथ भी नहीं रहेंगे, तो उनके रहने की भी व्यवस्था है, मरीजों के लिए बिस्तर की व्यवस्था के साथ, फिर ऑक्सीजन के सप्लाई की बात, पाइप ऑक्सीजन है कि नहीं, फिर सिलेंडर की बात, ये सारी चीजों की एक प्लानिंग स्वास्थ्य विभाग ने की। और आज हमारे पास कोविड ट्रीटमेंट सेंटर सीधे सीधे होगा, जहां हम उपचार के लिए ऑक्सीजन इत्यादि भी हम अवेलेबल करा सकते हैं। ये 6 मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स में और माना में, ये 8 जगह हम लोगों ने करीब 1700 बिस्तरों की व्यवस्था, अभी 1800 तक कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, वो 1700-1800 बिस्तर जो एडवांस स्टेज कोविड के पेशेंट्स आएंगे, जिनको काफी दिक्कत सांस लेने की इत्यादि होती रहेगी उनके लिए, और इसके अतिरिक्त आइसोलेशन सेंटर जहां वो इतने गंभीर नहीं होंगे लेकिन पॉजिटिव पाए गए होंगे, और ऑक्सीजन इत्यादि की भी जरूरत होगी तो सिलेंडर वगैरह से हम देख सकते हैं, आईसीयू से पृथक, एक स्टेप नीचे आईसीयू से। तो ये प्रारंभिक हम लोगों ने करीब 2700 बिस्तर स्थापित किए, और अब तो बढ़ा के उसको 5000 बिस्तरों तक की ये पब्लिक सेक्टर में इसकी व्यवस्था हम लोगों ने बना के रखी। और निजी क्षेत्र जैसे रिम्स की बात है, बिलासपुर में एक अस्पताल है, आरबी कहते हैं, आरबीआई कहते हैं, कुछ एक अस्पताल वहां भी है, रायपुर में भी कई प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने आके हम लोग को कहा था कि हमारे ये अस्पताल को आप चाहो तो ले लेना, हम पूरा अस्पताल दे देंगे। 100 बिस्तर का अस्पताल है एम्स के पास, 200-300 बिस्तर का अस्पताल है, तो ये विकल्प के रूप में हमने आज भी उसको रिजर्व में रखा है। और सरकारी तंत्र में आइसोलेशन से लेके और ट्रीटमेंट तक के करीब 2966 ट्रीटमेंट, जहां ट्रीटमेंट हम सीधे दे सकते हैं, और आइसोलेशन ये शेष समझने के करीब 4000+ बिस्तरों की व्यवस्था। तो ये मोटा मोटी ये तैयारी थी, जहां ट्रेंड डायरेक्ट मेडिकल स्टाफ आपको अटेंड करेगा। इसके अतिरिक्त जी क्वारंटीन की व्यवस्था थी, जिसमें पहले विदेश से या बाहर से लोग आ रहे थे, एक होटल भी ले लिया था, कुछ पंचायत विभाग का, कुछ वन विभाग का, इनके अमलों को लेके हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए थे। और जब संख्या ज्यादा होने लगी और गांवों तक, शहरों तक जाने की बात आई, तो हर गांव में, हर शहर में होम क्वारंटीन की व्यवस्था हम लोगों ने कराई, घरों का पहचान करवाया कि यहाँ पर अगर बाहर से कोई लोग आए हैं तो इनको देख रेख में हम लोगों ने रखा है, तो गांव को भी जानकारी रहे, सबको जानकारी रहे कि इनकी देख रेख हम कर रहे हैं। तो करीब 1,05,000 एक समय ऐसे नागरिक छत्तीसगढ़ में हो गए थे जो होम क्वारंटीन में रखे गए, तो ऐसी व्यवस्था बना के और फिर लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास, कि जो चिन्हांकित लोग हो गए जिनको हम लोग देख रेख में रख रहे थे, कोई ना कोई व्यक्ति रोज उनसे पूछे कि आज आपकी तबीयत कैसी है,
अगर कोई लक्षण ऐसे दिखने लगे कि नहीं अब इनकी खांसी बढ़ रही है या बुखार है तो टेस्ट कर लेना, और टेस्ट अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उपचार के केंद्र में पहुंचाना, जो अभी तक एम्स है। तो छोटे में प्रयास बहुत हुआ, लेकिन छोटे में और सभी विभागों का, किसी घर में जाते थे तो एक पुलिस के साथी भी रहते थे, एक राजस्व विभाग के साथी भी रहते थे, स्वास्थ्य विभाग के साथी भी रहते थे, ऑनलाइन कॉल सेंटर स्थापित थे, उन लोग फोन से डेली लोगों से पूछते थे कि आज आप कैसे हो, तबीयत कैसी है। ये कोशिश हम लोगों ने जी, तैयारी तो बहुत अच्छी रही। एक टेस्टिंग सेंटर था पूरे देश में, पुणे में एक टेस्टिंग सेंटर था और कहीं देश में टेस्टिंग सेंटर ही नहीं था। तो उसकी मांग शुरू से, क्योंकि लगने लगा था कि पुणे में कितने सैंपल भेजेंगे, उतना समय लगेगा, वहां की संख्या सीमित होगी, टेस्ट करने की सैंपल लेके टेस्ट करने के किट्स देश में उपलब्ध नहीं थे। तो ये सब की हम लोगों ने केंद्र सरकार से भी लगातार बात की, और शने शने अब ये स्थिति हो गई थी कि जहां एक टेस्ट सेंटर से हमने चालू किया था, फिर नागपुर में दूसरा बना, आज बात करते 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 देश में करीब 300 बन गए हैं। और हमारे यहाँ भी हमने एम्स से चालू किया, फिर जगदलपुर में भी चालू कर दिया मेडिकल कॉलेज में, रायपुर मेडिकल कॉलेज में भी चालू कर दिया, और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भी आरटीपीसीआर पद्धति से टेस्टिंग चालू कर दी, और बाकी जो तीन राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर, ये तीनों मेडिकल कॉलेज में भी लैब स्थापित हो जाएंगे, और साथ में रैपिड टेस्टिंग किट का जो सर्वेलेंस टूल है, ये टेस्ट नहीं है, ये छानबीन के लिए है, ठीक जैसे हम थर्मल सेंसर से स्कैन करके कि बुखार तो नहीं है आपको, तो बुखार से कोविड तो नहीं पता चलता, लेकिन कुछ तो लक्षण है, तो वैसे ही रैपिड टेस्टिंग किट की हमने पहल की। 1 अप्रैल को चिट्ठी लिखी थी, 4 अप्रैल को ICMR ने उसको देश में लागू करने के लिए निर्णय लिया, और बीच में उठाओ चढ़ाओ उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ इसमें रैपिड टेस्टिंग किट में आया, किसी ने आपत्ति की, फिर उसको रोका गया, फिर उसको वापस लिया गया सामान, फिर इनको माना गया उससे काम चलना। तो इस प्रक्रिया से होके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रभावित ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव ग्रुप है, जिसको हम एक ILI कहते हैं, इन्फ्लुएंसा लाइक इलनेस, उससे पीड़ित लोग हैं, तो उनके तक पहुंच के पता करना, क्योंकि उनको कोविड आसानी से हो सकता है। जो सारी, अब नाम सारी पड़ गया, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, तो वो अगर किसी को है तो वहां तक पहुंचना, हार्ट ट्रबल किसी को है तो वहां तक कोशिश करके लोकेट करना कि आप लोग कैसे हो, कोई लक्षण तो नहीं आ रहे, निमोनिया चालू की गई कि आप लोग ठीक हैं, किसी को सर्दी खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। तो ये कोशिशें हुई, चुनौतियां आई जी, इन सब के बीच में ये तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आगे तक का आपके प्लानिंग बड़ा अच्छी है। एक चीज जो पूरे देश के मन में सबसे बड़ा सवाल है, हर राज्य के मन में सबसे बड़ा सवाल है, जिनका अपना प्रदेश कोरोना नामक इस बीमारी से, महामारी से भयावह टाइप का जूझ रहा है। हर आदमी को अपने प्रदेश में खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि छत्तीसगढ़ इतना सेफ क्यों, छत्तीसगढ़ इतना सुरक्षित कैसे। हर आदमी ये जानना चाहता है कि लॉकडाउन उन्होंने भी किया, हमने भी किया, उन्होंने भी वो हर स्टेप उठाए जो छत्तीसगढ़ ने उठाए, लेकिन छत्तीसगढ़ ने ऐसा कौन सा रामबाण उपाय किया जिसके कारण सब कुछ नियंत्रित कर दिया मात्र कुछ ही दिनों में। इसमें उनको देखने, जिन बातों को शुरू में कहा गया कि तैयारियों को भी देखने, और दूसरा लक फैक्टर को भी ले ले, तीसरा जो मैंने शुरू में बोला कि आना जाना यहाँ तुलनात्मक कम है, बाहर से लोगों का आना जाना, विदेश से आना जाना लोगों का कम है, चौथा लोगों का सहयोग ले पाना, एक क्रिया जो विभाग ने की वो लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कि ये बहुत गंभीर बीमारी है, एहतियात हम सबको बरतना होगा,
और प्लीज अगर कोई लक्षण है तो आगे आइए। हम लोगों के पास प्रारंभिक में कई ऐसे बच्चे या लोग जो विदेश से आए थे, वो हम उनके पास पहुंचे उसके पहले उनने आके बताया कि हमको कोई लक्षण तो नहीं है, आप हमको टेस्ट कर लीजिए। तो विभाग ने जो संदेश देने की कोशिश की वो भी काम आया, और बहुत बड़ा सफलता का फैक्टर कि लोगों का सहयोग। आप देखें कि 1,05,000 लोग अगर होम क्वारंटीन में है तो ये कोई आसान चीज नहीं है, और गांव गांव की व्यवस्था को आप देखें कि लोगों ने उस संदेश को ग्रहण करके अपनी व्यवस्था बना ली कि हम ना तो गांव में किसी को आने देंगे ना गांव में गांव से किसी को बाहर जाने देंगे। तो शासन की ओर से, विभाग की ओर से जो पहल हुई, ये लोगों ने भी बड़े पैमाने पर ग्रहण किया। ये दिक्कत आती है शहरी क्षेत्रों में जहां लोग उतना बात नहीं मानते, ये इसको उतना गंभीरता से नहीं लेते, और तुलनात्मक ज्यादा फ्रीडम कि नहीं ठीक है कुछ तो नहीं होता, क्यों हमको रोका जा रहा है। ये गांव में सतर्कता ज्यादा है, शहरों में स्वच्छता ज्यादा है कि फ्रीडम चाहते हैं लोग ज्यादा है। प्लस समय पे जो प्रभावित लोग थे उनके पास पहुंच जाना, एक इसमें कहा जाता है वायरल लोड को, कि अगर लोग ठीक हो रहे हैं, वायरल लोड अगर गिनता जाता है तो आप ठीक होते जाते हैं। तो जिस पैमाने में आप प्रभावित हो गए हैं उसको मान लीजिए वायरल लोड। तो अगर आप ज्यादा समय तक संक्रमण के संपर्क में बने रहे तो एक से आपको 10% हुआ, दूसरे से 20% हुआ, तीसरे से 30 इत्यादि, यानी वायरल लोड आपका बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। और जल्दी अगर हम आपके पास पहुंच सके तो हमने आपको अस्पताल पहले पहुंचा दिया, और वहां अस्पताल में मुख्य रूप से, ये रामबाण नहीं था लेकिन मुख्य रूप से वहां पर आप अलग से रहे, और इम्यून सिस्टम आपका, देखिए इसमें यंगस्टर्स भी आए, महिलाएं भी आई, एल्डर्स भी आए, अलग अलग एज ग्रुप के लोग आए। एक व्यवसायी था जो दिव्यांग है रायपुर के, 64 साल के थे, एक महिला बिलासपुर की थी वो भी करीब 64 साल की थी, एक 74 साल के बुजुर्ग भी थे, प्रेग्नेंट लेडीज भी थे जिनके लिए हम लोग बहुत चिंतित थे, जो सेंसिटिव मैंने नाम गिनाए थे, उनमें प्रेग्नेंट लेडीज का छूट गया था, गर्भवती महिलाओं का छूट गया था। ये भी बहुत प्रभावित हो सकते हैं कोरोना से नेगेटिव रूप में, जैसे हार्ट डिजीज का हो गया। तो जल्दी लोगों को अस्पताल पहुंचाना, और वहां डॉक्टर साहब की निगरानी में एम्स के डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, एक पेशेंट अपरों से भी ठीक हुई जो लेडीज थी। पर मेन फैक्टर मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग समय से उन लोगों के पास पहुंच सका। बाबा साहब एक सवाल ये है, मतलब यहाँ क्या मतलब पूरे देश में पूछा जा रहा है या जो क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि अपने यहाँ मरीज इसलिए कम है विदेशियों की तुलना में क्योंकि अपने यहाँ टेस्टिंग उतनी मैसिव नहीं हो पा रही, जो टेस्टिंग डेंसिटी है वो बहुत ही लो है, इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा आपके नेता राहुल गांधी भी लगातार टेस्टिंग डेंसिटी बढ़ाने की बात करते रहे हैं, इस पे आप क्या कह रहे हैं? इसमें अगर छत्तीसगढ़ का औसत देखेंगे तो कल तक की रिपोर्ट में 18,000 से कुछ ठीक ऊपर 18,039 ये हम लोगों ने टेस्टिंग कल तक की हुई थी आरटीपीसीआर पद्धति से, रैपिड टेस्टिंग को मैं नहीं गिन रहा। और ये औसत अगर हमारे 3 करोड़ की आबादी हो गई है तो 3 करोड़ की आबादी में ये करीब 603 बनता है, 601.3 बनता है। तो 601.3 राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, ये संतोष का विषय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय औसत जो टेस्टिंग की थी उससे छत्तीसगढ़ कुछ आगे था। और ये जो हमारी सीमाएं थी, क्योंकि टेस्टिंग लैबोरेटरीज ही नहीं है, हमारे पास जो टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं वो ही करीब करीब उतने हैं। ये पूल टेस्टिंग का तो बाद में आया, उसके पहले तो पूल टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी। अब हम 1,000, 1,200, 1,300 टेस्ट रोज कर पा रहे हैं आरटीपीसीआर से, पहले ये 200, 300, 400 होता था। अब पूल सिस्टम में 3-3 स्वाब को एक साथ लेके डॉक्टर साहब लोग कर रहे हैं, अब टेक्नीशियन हमारे कर रहे हैं। और इनके अतिरिक्त जो राहुल जी का आपने कहा, तो हम लोगों ने रैपिड टेस्टिंग किट को इसीलिए अपनाने में इतना बल दिया कि और कोई साधन नहीं है कि कम समय में हम ज्यादा टेस्ट कर पाए। हमारी लिमिट है 1200 की, 1200 से मान लीजिए अगर 1200 है तो महीने में 36,000 हो गया, और हमको टेस्टिंग करना है 3 लाख। तो अगर 36,000 आप एक महीने में कर सकते हो तो 3 लाख आपको करना है तो 10 महीने लगेंगे, 10 महीने आप सोचिए। तो हमारी जो सीमा है
हमारे पास संसाधन ही नहीं है उतने। ये देश के सामने भी यही बात थी, हमारे सामने भी यही बात थी, तो उसको पूरा करने के लिए ये हमने प्रयास किया रैपिड टेस्टिंग किट का, और आंशिक सफलता, हालांकि उसमें थोड़ा सा हम लोग निराश भी हुए कि हमारे यहाँ पॉजिटिव आए, लेकिन सूरजपुर जिले में जो लोकेट हुए आज 6 पॉजिटिव रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से हम लोकेट कर सके। जो राहुल जी आपने कहा, बार बार कह रहे थे, अगर रैपिड टेस्टिंग किट का प्रोटोकॉल हम नहीं अपनाते तो पक्का मान के चलिए कि जजावल में जो 6 पेशेंट सामने आए हमको नहीं पता चलता, वो झारखंड चले जाते, बाकी लोग अपने घर चले जाते और हमको पता नहीं चलता। तो ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसको बढ़ाएं, टेस्टिंग का जो दायरा है इसको बढ़ाएं। रैपिड टेस्टिंग किट टेस्ट नहीं होगा, वो छानबीन होगी केवल, और अंततः उसमें से टेस्ट होगा आरटीपीसीआर। आपने बताया जैसे थर्मल स्कैनर है उसकी एक हायर डिग्री जी, हो गई जी, उससे 4-6 कदम आगे जी। छत्तीसगढ़ सहित मेरे ख्याल से पूरे देश में और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कल अकेले मेरे ख्याल से 38वां दिन था लॉकडाउन का, 37वां 38वां दिन, उसमें 2500 से ज्यादा पॉजिटिव आए हैं पूरे देश भर में। तो मतलब यह है कि लॉकडाउन पूरा होने जा रहा है सेकंड दौर का, उसके बावजूद मरीज कम नहीं हो रहे, मरीज लगातार नए मिल रहे हैं, तो टेस्टिंग कैपेसिटी हमें लगातार बढ़ाने की, निश्चित रूप से, इसीलिए वो 3 लैब भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार ये पहल केंद्र सरकार से भी कर रहे थे कि मान लीजिए एम्स में जो हमारी लेबोरेटरी है, आज हम मैकेनिकल प्रोसेस से उसको टेस्ट कर रहे हैं, जो आरएनए डीएनए एक्सट्रैक्शन करना है वो हाथ से हिला के या जो भी प्रोसेस है, मैंने जाके देखा तो नहीं, पर डॉक्टर्स ने बताया कि वो मैन्युअल है आज भी। अगर हम ऑटोमेटेड आरएनए डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगा देंगे तो वहां की कैपेसिटी डबल हो जाएगी। आज 9 घंटे लगते हैं, 9 से 10 घंटे लगते हैं, ये आरएनए के दो स्टेज की टेस्टिंग पहले होती है, तो करीब 2.5-3 घंटा एक स्टेज में लगता है, फिर डीएनए एक्सट्रैक्शन होता है उसमें 2.5-3 घंटा फिर लगता है, तो करीब 9 से 10 घंटे एक ग्रुप ऑफ सैंपल्स को टेस्ट करने में समय निकल जाता है। और अगर 100 की किट आती है, करीब 90 एक साथ हो पाते हैं, तो ये 10 घंटे के स्पैन में करीब 200, समझिए 180 ट्यूब्स ही जा पाती हैं, केवल 180, और दूसरे भाग 12 घंटे में हम करते हैं तो 307, और हमारी संख्या केवल बढ़ रही है क्योंकि इंटू 3 हम कर पा रहे हैं, 3 सैंपल हम पूल टेस्टिंग में कर रहे हैं। अगर ऑटोमेटेड ये यूनिट लग जाएगी तो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि डबल हो जाएगा टेस्टिंग टाइम, हाफ हो जाएगा, तो हमारी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो ये लगातार पहल हो रही है, एक मशीन आई कलकत्ता से वो फेल हो गई, एम्स ने उसको बुलाया था, फिर एक मशीन सिंगापुर में फंसी रही, तो हम लोग अपने तरफ से पहल कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार को भी अपने माध्यम से भी कि इसको प्लीज अवेलेबल करा दीजिएगा, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पहले टेस्टिंग किट भी नहीं थे, केवल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है वही टेस्टिंग किट बनाता था आरटीपीसीआर, फिर 2 प्राइवेट कंपनीज को पास किया गया जिनकी करीब करीब 100% गुणवत्ता है, टेस्ट में रिलायबिलिटी है, ये माय लैब्स और एक और है, वो पिक्चर में आए, तब उनकी कैपेसिटी आई, तो 1 लाख यूनिट फिर उन लोग बनाने लगे एक दिन में। तो ये क्रिया चलती गई एक्चुअली, धीरे 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 ये होता गया, लेकिन अब बढ़ रहा है टेस्टिंग, अब बढ़ेगा। हम पीछे पिछले 2 महीने में देश ने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ नई चीजें भी स्टार्ट की हैं, मतलब जैसे आपने बताया कि 1 लैब थी पुणे में, अब आप कितनी लैब, 300 लैब, 300 टेस्टिंग लैब है, 300 टेस्टिंग लैब है, 4 तो अपने छत्तीसगढ़ में हो गई, 5 हो गई। अच्छा बाबा, एक लगातार सवाल उठ रहा है कि एम्स में ही सारे मरीजों का इलाज क्यों हो रहा है, जो हमने दूसरे हॉस्पिटल बनाए हैं, जैसे बाना में बनाया 100-bedded कोविड हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में भी, तो वहां क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अभी क्यों नहीं कर रहे हैं अपने इलाज वहां? ये अन्य जगह के जो डॉक्टर हैं ये भी आतुर हैं कि हमारे पास पेशेंट्स भेजें। शुरू में हम लोगों ने जब एम्स के साथ चर्चा की थी और बाकियों के साथ चर्चा की थी, तो ऐसा ना हो कि ये केंद्र सरकार की इकाई है तो हम उन्हीं के ऊपर भार तो नहीं डाल रहे, तो जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में व्यवस्था की, ये केंद्र के एम्स के डायरेक्टर हैं नागरकर जी, उनका भरपूर सहयोग मिला, बहुत भले व्यक्ति भी हैं और बड़ा सहयोग उन्होंने दिया, तो उनके साथ हम लोगों ने रोड मैप बनाया कि कैसे करेंगे। पहले हम लोगों ने कहा कि एक साथ अभी एम्स में जा रहा है, बेटर इंस्टीट्यूट है, चलिए हम एम्स में भेजेंगे,
लेकिन कितने पेशेंट, एम्स को भी लगेगा कि आप तो हमारे ऊपर बोझा डाल रहे हो। ये हम लोग की बात हुई, आपस में बात हुई कि एम्स को ऐसा तो नहीं लगेगा कि जो आ रहा है हमारे कल मत्थे आप डाल दे रहे हो, बाकी जगह आप ले नहीं रहे, जो आएगा एम्स, जो आएगा एम्स। तो हम लोगों ने आपस में तय किया कि चलिए 10 या 20 जब पेशेंट हो जाएंगे, 21वां आएगा तो हम माना में भेज देंगे। ये आपस में बात हुई, फिर डॉक्टर साहब लोग बैठे और उन लोगों का ये कहना था कि ज्यादा एक्सपोजर मत दीजिए, आप 10 पेशेंट्स को 10 जगह ले जाएंगे तो 10 जगह के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ एक कोविड पेशेंट से एक्सपोज होंगे और वहां फैलने की संभावना भी बन जाएगी, उनमें भी कोविड आने की संभावना बन जाएगी। तो डॉक्टर्स की सहमति से और विशेष करके एम्स जहां एक मेल नर्स भी पॉजिटिव पाए गए, उन लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं ठीक है अभी आ रहा है, आगे तो अपने को लोड डिवाइड करना है, लेकिन अभी आ रहा है इतनी संख्या में है तो हम डील कर लेंगे। तो ये बड़ा सहयोग उनका रहा और डॉक्टर्स का निर्णय रहा ये बाकायदा कि 10 जगह करने के बजाय अगर जब तक संख्या नहीं बढ़ती है एक जगह करिए, क्योंकि दोनों बात आई जैसा आपने कहा कि हमको भी नहीं पता चलेगा अगर और जगह नहीं भेजेंगे कि हम क्षमतावान हैं कि नहीं, उनकी हम देखभाल कर सकते हैं कि नहीं, क्या केवल एम्स पे हम निर्भर करेंगे। और एम्स चालू हुआ था 100 बिस्तर से, फिर उन्होंने कहा कि हम 200 कर देंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम 500 तक ले जाएंगे। तो इतना सहयोग उनका मिला कि जहां केवल 100 बिस्तर उनके जिम्मे में था, उन्होंने पहले 200 की स्वीकृति दी, फिर आगे आके उन्होंने कहा कि नहीं 500 तक भी होगा तो हम डील कर लेंगे। तो ऐसा बहुत अच्छे टीम वर्क से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने काम किया और कोई दूसरा कारण नहीं है, ये एक टेक्निकली अप्रूव डिसीजन जो डॉक्टर साहब के बीच में था, उस कारण से हम लोगों ने ऐसा होने दिया, और कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बाबा, निश्चित रूप से एम्स की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस पूरी वर्किंग में। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी इन दिनों आ रहा है सामने, वो यह है कि स्टूडेंट्स को तो हम सफलतापूर्वक ले आए कोटा से, बाकी दूसरे प्रदेशों से भी लाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इन सबके बीच में कम से कम 1.5 लाख या 1.5-2 लाख के करीब श्रमिक है, मजदूर है, जो हमारे दूसरे स्टेट से नहीं है, हालांकि वो भी इसी प्रदेश के हिस्सा हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या उनको लाने का निर्णय उचित है या अनुचित है, क्या या फिर उनको अगर लाया जा रहा है तो क्या उनकी जांच के लिए पर्याप्त संसाधन है हमारे पास? इसमें बात भावना की होती है और सरकार को भी अंततः जनप्रतिनिधि है, लोगों की भावनाएं और उनके दबाव के सामने कभी कभी झुकना पड़ जाता है। और कोटा के जो बच्चे आए वो भी उसी एक तरह से कहिए भावनात्मक दबाव, बच्चे वहां रो रहे हैं, वो फेसबुक में, आज हम लोग भी फेसबुक में हैं, वो फेसबुक में अपनी पिक्चरें भेज रहे थे कि हम यहाँ हैं, कोई रो रहा है, कोई ये है, तो दबाव इतना बन जाता है कि अंततः आपने देखा कि केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर यूपी की सरकार ने बसें भेजना चालू कर दिया। टीवी में बाकायदा टीवी में आने लगा कि 200 बसें यूपी से निकल गई हैं। हम लोग अपने बच्चों से संपर्क में थे, कई पेरेंट्स भी लगाते थे, हम लोग उनको समझा रहे थे कि थोड़ा सा रुकना है, अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है देश में। उन लोगों ने कहा बाबा आप तो ऐसा बोल रहे हैं और वो यूपी सरकार तो 200 बस भेज रही है। तो ये व्यवस्थाएं जब इस प्रकार से होने लगी तो और दबाव बन गया कि भाई यूपी की बस जा सकती है तो छत्तीसगढ़ की सरकार नाकाबिल है क्या, कि वो योगी जी हैं 200 बस भेज दे रहे हैं। और वो बुरा मत मानिएगा, मैं पार्टी की बात नहीं लाना चाहता था, लेकिन लोगों की मानसिकता की अच्छा है कि वो भाजपा भाजपा तो उनने कर लिया, और संजोग देखिए क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के बाद बस कहां से गई, गुजरात से और मध्य प्रदेश से, वो भी दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी से। तो ये मैं इसमें बिल्कुल राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रखता कोविड के सिलसिले में, लेकिन ऐसा दबाव लोगों की तरफ से बनने लगता है कि आप लोग इसलिए क्योंकि आप कांग्रेस के हो आप क्यों नहीं कर रहे, तो सरकार को अंततः उस दबाव के सामने झुकना पड़ा। बेहतर व्यवस्था होती कि जो जहां है वहीं रहता और वहीं उनकी अच्छे से देखभाल होती, वो कहीं ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जो जहां था वो कंटेन्ड एनवायरमेंट में, कौन कहां पर किस हालात में है सबको मालूम है। अब जो जहां से आएंगे तो एक पूरे नए एनवायरमेंट से होके आएंगे, ना जाने कहां संक्रमण हो जाए उनको। तो हम लोग चलिए सुरक्षित, मुख्यमंत्री जी ने इंतजाम किया, सरकार ने इंतजाम किया, 90-95 बसें भेज दी, बसों में डिस्टेंसिंग कर दिया, बहुत चिंताएं थी,
कि बच्चे लोग कैसे रहेंगे, सट के रहेंगे कि एक दूसरे के कंधे पे सिर में सो के आएंगे, कैसे आएंगे बच्चे। हम लोग के दिमाग में यही सारी बातें थी, जवाबदारी तो हम लोग की होती, झुके तो हम भावना के सामने, लेकिन अंततः लोग ये नहीं कहते कि भाई आपने क्यों लाया। अगर कुछ खराब होगा तो लोग यही कहेंगे कि क्यों किया आपने, हमने तो बोला था लेकिन हमारी बात क्यों मानी आपने अगर उसे खराब हो सकता था। तो ये जनप्रतिनिधियों के सामने बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने के मौके आ जाते हैं, जहां फिर आपको ये रिस्क लेना पड़ता है। ये रिस्क है, हमने रिस्क लिया कि उनको भी लाए, उनके बीच में भी संक्रमण हो सकता था और उनके माध्यम से जहां ला रहे हैं वहां भी संक्रमण फैल सकता था, पर लाया गया। आना जाना अब शुरू होगा जी, आपको नहीं लगता बाबा ये सबसे बड़ा रिस्क है? बहुत बड़ा। आप, मैंने तो इसीलिए इसको इतने डिटेल से बताया, ये तो लॉकडाउन से ही बड़ी चुनौती लग रही है। हजार मजदूर चिन्हांकित है एक जिले में, 36,000 और उसमें एक ब्लॉक में 18,000, ये 8,000 सॉरी, और एक ब्लॉक में 6,000, तो पामगढ़ और बगल के ब्लॉक में 14,000 मजदूर चिन्हांकित, दो ब्लॉक में, एक जिले में चांपा जांजगीर में। अब वो वहां से आएंगे, किस हालात में होंगे उन लोग, तो फिर जनप्रतिनिधि के सामने क्या चॉइस रहता है? पब्लिक के मन में आप बच्चों को तो ले आए, ये मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे थे तो आप उनके दबाव में आ गए, आपने उनका कर लिया, हमारी आपने सुध नहीं ली, हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं। तो ये डायरेक्ट सवाल और डायरेक्ट दबाव सरकारों के सामने और जनप्रतिनिधियों के सामने आता है कि, और कारण क्या था कि वो आसान था 2000 बच्चों को लाना, 90 बस भेजिए, एक साथ एक जगह से ले आइए, और वो चिन्हांकित संख्या है। यहां जब हम लोगों ने बस की बात सोची तो ये बात प्रशासन के कुछ लोगों ने कहा कि एक बस हमने अगर भेजी, कैसे कंट्रोल करिएगा कि उस बस में, उस जगह जहां 6,000 लोग होंगे, केवल 25-30 लोग बस में बैठे, 50 की बस है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे? उस चढ़ जाएंगे सब कोई बस में कि एक बस छत्तीसगढ़ की आई है सबसे हम पहले, तो बस में भी एकदम ठूस के हम लोग खड़े हो जाएंगे, ऊपर भी बैठ जाएंगे, यानी इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये सारी बातें जी, ये सारी बातें, क्योंकि आपने कहा कि फेसबुक की मेरी सब कोई है, तो मैं बांटना चाह रहा हूं कि जो निर्णय करने वाले होते हैं उनके सामने ये जान के, जानते हुए ये विकल्प आते हैं कि अब प्रबंधन कैसे करना। वो हमारे बीच के हैं, हमारे बेटी हैं, बेटा हैं, बहुरिया हैं, भाई हैं, फंसे हुए हैं, फोन आता है, खाने को नहीं पूरा, पहले रोटी देते थे अब रोटी आधी कर दी, उस हालात में हम क्या निर्णय, संक्रमण भी फैल सकता है और वहां भी वो गंभीर हालात में हो सकते हैं, तो वैसी स्थिति में ये निर्णय। एक बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है, हालांकि कई लोग पूछ रहे हैं, सबका एक ही सवाल है, मतलब खासकर जो कहना चाह रहे हैं उनका मतलब ये है कि कोरोना के साथ देश को कब तक जीना है जी, कोरोना के साथ, इस महामारी के साथ, इस वायरस के साथ पूरे विश्व को और हमारे देश को कब तक जीना पड़ेगा? ये जैसे कोई भी वायरस आता है तो वो जल्दी छोड़ता नहीं, पोलियो के वायरस से हम आज तक जूझ रहे हैं, आज भी अपने बच्चों को हम पोलियो का ड्रॉप हर साल एक निश्चित समय में पिलाते हैं, हेपेटाइटिस है हमारे बीच में है, मलेरिया है हमारे बीच में है, सार्स है हमारे बीच में है, वो जो ये अरब देशों से बीमारी आई थी वो हमारे बीच में है, डेंगू हमारे बीच में है, ये बीमारियां हमारे बीच में रहने वाली, लोग तो ये कह रहे हैं कि लंबे समय तक, कई पीढ़ियों तक हो सकता है, जैसे ये बीमारियां चली आ रही हैं, छोटी माता है, बड़ी माता है, कुछ को हमने हरा दिया, कुछ को मार दिया, रहने वाला है, हमको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा और खास करके बहुत एहतियात बरतने पड़ेंगे जब तक वैक्सीन या दवाई विकसित नहीं हो जाती, और वैक्सीन और दवाई को बहुत जल्दी अगर होगा तो विशेषज्ञ कह रहे हैं 6 महीना, अगर किस्मत दुनिया की अच्छी है 6 महीना, नहीं तो 12 से 18 महीने लग सकते हैं ये वैक्सीन बनने में। तो ऐसे रहना है कोरोना के साथ, ये छोड़ेगा नहीं, ये
प्लीज मैं सबसे कहूंगा कि इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए और स्वीकार कर लीजिए कि लॉकआउट से कोरोना भागेगा नहीं, उसके संक्रमण को हम रोक सकते हैं। जो हमने रोका देश में, अगर लॉकआउट हुआ तो संक्रमण को हमने रोका। अब देखिए कि लॉकआउट में भी कैसे बढ़ रहा है, अगर लॉकआउट नहीं होता तो कितना बढ़ता। अभी 2000 कुछ आपने कहा कि इतना मरीज हमारे पास आए हैं, 2500 तो 2500 अगर कल आंकड़ा आया है लॉकडाउन के बाद भी, तो ये प्रमाण है इस बात का कि कोरोना हमारे बीच से नहीं जा रहा। हमको ये संख्या को नहीं बढ़ने देना है, इस संक्रमण को हमको चेक करना है। इसीलिए जब भी बाहर जाएंगे तो आने वाले 6 महीना के कोई भी व्यक्ति जो घर से बाहर निकले प्लीज मास्क के बिना नहीं तो कोरोना को फैलना या फैलाना हम उसके भागीदार बन सकते हैं। हमको हो सकता है, हम दूसरे को दे सकते हैं। हाथ धोना, दूरी रखना, गले नहीं मिलना 6 महीने प्लीज यार दोस्त, और मैं आगे नहीं जा रहा हूं, लेकिन गले नहीं मिलना, रिस्क लेके ही, पूरा रिस्क लेके ही गला मिलना। वैसा मत हो कि अरे दोस्ती है, दोस्ती में गले मिलेंगे, जो होगा देखेंगे। तो ये बचना, हाथ नहीं मिलाना, ये हमारे जीवन का न्यू रियलिटी, न्यू वे ऑफ लिविंग कह लीजिए, ये नया तौर तरीका। हमारे पांव भी पड़ना है तो मैं कहूंगा थोड़े दूर से। सही है, सही है। तो ये भी कह सकते हैं बाबा, अच्छी बात है बाबा साहब। बजट बनाते हैं हम, अपने घर का राशन लाते हैं या दूसरी चीजें लाते हैं, तो शायद उसी में मास्क और सैनिटाइजर का भी बजट हमें बनाना पड़ेगा। सैनिटाइजर का छोड़ दीजिए, साबुन, सैनिटाइजर से कहीं कारगर साबुन रहेगा। और सैनिटाइजर में मैं तो उतना टेक्निकली साउंड नहीं हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ज्यादा सैनिटाइजर के यूज से केमिकल रेसिड्यू भी बच सकता है, हाथ में रह सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन है साबुन। शिव जी, एक आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाह रहे हैं अभी जी। शिव जी, नहीं, मैं तो केवल ये बोलना था, ये बहुत अच्छी बात है कि अगले आने वाले समय में कोई इलेक्शन नहीं है तो सामाजिक मेल जोल का इतना ज्यादा चांस रहेगा नहीं। बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव है ये। नहीं, दूर दूर से वोट मांग लेते उसने, मास्क पहन के वोट, और उस समय चुनाव में जो होता है तो उस समय मास्क वितरित होंगे खूब। अगला चुनाव हो सकता है कि मास्क दिए जाए काफी। उसमें कोई अंदर कहीं छुपा हुआ रहेगा। बिल्कुल सही। आपकी तरफ से और कोई महत्वपूर्ण सवाल है? मैं एक सीए सवाल ये पूछने वाला था, हालांकि बाबा साहब ने उसका जवाब दे दिया कि जैसे ही कल घोषणा हुई है लॉकडाउन 3 की, तो उसकी उपयोगिता पे बहुत सारा सोशल मीडिया में सवाल उठने लगे। अब चूंकि आपने जवाब दे ही दिया है तो मैं उससे आगे बढ़ जाता हूँ। जो छत्तीसगढ़ का जो क्लासिफिकेशन हुआ है बाबा साहब, वो थोड़ा सा डाउटफुल है। टोटल एक तो उन्होंने 27 जिले लिए हैं, एक जिला रेड जोन में है, एक ऑरेंज जोन में है, और 25 जिले जो है ग्रीन जोन में रखे हैं। 28वां जिला जो है पेंड्रा, गोरेला, मारवाही, वो उन्होंने छोड़ दिया है। प्लस जहां सूरजपुर में 6 पेशेंट हैं, उसे उन्होंने रख लिया है ग्रीन जोन में। इसको लेके कोई कम्युनिकेशन आप लोगों का, या क्या डिसीजन लेंगे आप? जी शिव जी, वो कट गया था जी। अच्छा, कट गया था, ओके। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो गृह विभाग ने, अभी आवाज आ रही है मेरी? अब इस तरफ कम्युनिकेशन कट गया। हेलो हेलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 मिनट हो गए हैं, तो हो सकता है। हेलो जी, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन बाबा साहब की आवाज नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि 40 मिनट हो गए हैं तो सेशन कहीं खत्म ना हो गया हो, लेकिन ये तो फेसबुक लाइव भी है तो इसमें कैसे होगा? जी शिव जी, अभी आ रही है आपकी आवाज। ये यहाँ हम लोग के एंड पे कनेक्शन थोड़ा कमजोर। जी, अच्छा, अच्छा। सबसे बड़ी बात चूंकि कुछ कम्युनिकेशन में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम रहा। शिव जी बताइए, जल्दी पूछिए आप एक सवाल। हाँ, मैं ये कह रहा था बाबा साहब कि जो क्लासिफिकेशन किया है इनने रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का, तो उसमें छत्तीसगढ़ को लेके
एक जिला एक तो गायब कर दिया है, गोरेला पेंड्रा मारवाही। दूसरा सूरजपुर में जहां 6 पेशेंट हैं उसको ग्रीन जोन में रखा है, तो ऐसा कैसे? मतलब वहां की जनता मिसकम्युनिकेट भी हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो अपने हिसाब से पालन करें। तो इसको लेके कोई केंद्र से कम्युनिकेशन सरकार का हो रहा है, या सूरजपुर को लेके अलग से कोई निर्देश है कि वहां रेड जोन जैसा ही ट्रीटमेंट रखना है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें चूक हुई है और प्रशासकीय काम में कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक सूरजपुर, तीन तो कल आए तो हो सकता है उनका क्लासिफिकेशन उसके पहले तैयार हो गया हो, लेकिन एक तो 2 दिन पहले कंफर्म हो चुका था। तो सूरजपुर का एक जी पेशेंट आने के बाद उसको रेड डिक्लेयर कर देना था, और वो रेड मानना चाहिए अपने को। सूरजपुर आज के दिन रेड है, रेड रेड डिस्ट्रिक्ट में अपने को मानना चाहिए। दूसरा रायपुर, रायपुर में जो रेड किया गया है, ये भी इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि रायपुर शहर से कोई पॉजिटिव केस पिछले 14 या 21 दिनों में कोई केस नहीं आया है। यहाँ पर हाँ एक बिल्कुल केवल एक हॉस्पिटल में जो मेल नर्स हुए थे वो हॉस्पिटल के अंदर के थे, और मेरी जानकारी में जो परिभाषा रेड जोन की है उसमें हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट है, वरना जिस शहर में हॉस्पिटल होगा वो तो परमानेंट रेड जोन हो गया। एक बिल्कुल तरफ आप सेवा दे रहे हैं और दूसरी तरफ वहां के नागरिक तो पूरे टाइम रेड जोन की ही परिभाषा के अंतर्गत उनका जीवन यापन चलेगा। तो वो सेक्रेटरी लेवल पे भी बात हो रही है, प्रशासन लेवल पे भी बात हो रही है, शासन लेवल पे भी मुख्यमंत्री जी ने भी एक पत्र लिख दिया है। तो मुझे लगता है कि जो त्रुटि है वो सुधर जाएगी, और एक जिला जो छूटा है पिंडरा मरवाही बिल्कुल गोरेला, तो वो भी मेरे ख्याल से एक त्रुटि हुई है, वो जुड़ जानी चाहिए। बाबा, आप हमारे अच्छा बीच मौजूद हुए हैं और फेसबुक में हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं, उन सभी को आपने बहुत ही काम की और उपयोगी जानकारी दी है। साथ ही आपने जो अपील की है कि अब वो बहुत सतर्कता से रहे, मास्क लगाकर रहे, निश्चित रूप से वो उन चीजों का पालन करेंगे। आप आए बाबा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया राजेश जी। थैंक यू शिव जी। धन्यवाद बाबा, नमस्कार। नमस्कार।